दोस्तों, कृष्णा फूड एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीरे का रायता, जो कि हमारे हमेशा खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन पावर को भी इम्प्रूव करता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक खीरा लिया है, उसके ऊपर के थोड़ा सा पार्ट को कट कर लिया है। अब इसमें हल्के से चाकू से छेद कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद देखिए खीरे का कड़वापन निकलेगा। आपने तो आजकल खीरे कड़वे नहीं आते हैं, देखिए इसका कड़वापन अच्छे से निकल रहा है। अब हम चाकू से इस कड़वेपन के जो पार्ट है इसको कट कर देंगे। अब हम एक पीलर लेंगे और पीलर से इस खीरे के छिलके को अच्छे से छील लेंगे। देखिए मैं इस खीरे को अच्छे से छील लिए। अब मैंने इसको अच्छे से छील लिया और वॉश भी कर लिया है। अब एक कद्दूकस लेंगे और हम इसके बाहर का ये केवल पार्ट को कद्दूकस करेंगे। खीरे को हमने गोल भाग में नहीं हमने कट करना है, क्योंकि मुझे जो खीरे का चाहिए वो केवल लच्छे लच्छे चाहिए, बीज नहीं चाहिए। ये खीरे के रायते में जो बीज है वो अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए मैंने बाहर बाहर के पार्ट को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब देखिए केवल बीज ही बीज रह गए हैं। बस हो गया है हमारा भी कद्दूकस खीरा। लीजिए कद्दूकस तैयार है हमारा। अब मैंने एक कप दही लिया जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं खीरा कद्दूकस किया हुआ डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, भुना हुआ जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं काली मिर्च, काला नमक और सफेद नमक, ये आप आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाइए। लीजिए हमारा इंग्रेडिएंट सारे मिल गए, खीरे का रायता तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर जीरा पाउडर से इसको सजाएंगे, गार्निश करेंगे। खीरे का रायता बनाकर अब आप 30 मिनट तक फ्रिज में रख दीजिए खाना के साथ परोसने से पहले। इससे खीरे के रायते का स्वाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप भी बनाइए इस खीरे के रायते को और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। धन्यवाद।